Hello everyone. Now the students who want to enroll for the courses for PGT Computer Science, और यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो KVS, that is केंद्रीय विद्यालय संगठन, PGT Computer Science जो कोर्स है हम उसकी बात कर रहे हैं. और स्टूडेंट्स जो है they are repeatedly asking about what is the syllabus and what is the course details and structures. So I thought कि instead of just writing everything in on a website or just sending everything all details to you on WhatsApp. The thing is, if I send you all the details in written format, the students hain, they don't read all the text. So it's better that I can communicate directly with you, jo proper syllabus hain, hum kitna syllabus cover kar rahe hain, aur kis tarike se hum log syllabus cover kar rahe hain, kya kya course details hain. It's better ki main jo course detail hai, wo video ki format mein yahan par bata dun. Ab dekho, jo PGT computer science jo hamare paas course hai, PGT as jo major hum log ek course lekar chal rahe hain, wo hai yahan par Kendriya Vidyalaya Sangathan, that is KVS. अब इस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हमारा पीजीटी कोर्स है वो सभी स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए भी वैलिड है. चाहे अभी जैसे पास्ट में मैंने आपको कई बार नाम भी लिया है, पास्ट में हमारे पास डी ट्रिपल एस बी एग्जाम हुआ था और डी ट्रिपल एस बी के अलावा यूपी एलटी ग्रेड टीचर हुआ. उसी तरीके से जो स्टेट वाइज एग्जामिनेशन है वो सभी का जो सिलेबस है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इक्वलेंट ही सिलेबस होता है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड सिलेबस है फॉर 12th क्लास टीचर और 11th क्लास टीचर. अब जो सिलेबस है मेजरली वो दो तरह के पोर्शंस में डिवाइडेड है सिलेबस. एक है आपके पास थ्योरेटिकल सेक्शन जहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी ज़रूरी है, और दूसरा है आपके पास प्रैक्टिकल सेक्शन जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर पर काम करना, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो सभी ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए. अब देखो, जिस ये सिलेबस है, सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. ये सिलेबस मेरे हाथ में भी है. यहाँ पर सिलेबस में हमारे पास दो तरह के पोर्शन आते हैं. पहला है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन और दूसरा है आपके पास टेक्निकल पोर्शन. सो जितना आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन ज़रूरी है उतना ही आपका टेक्निकल पोर्शन आपको आना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हमारी कोशिश ये है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें हमारे पास जैसे चाइल्ड पेडागॉजी है या फिर आपके पास एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है या फिर आपके पास टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो भी जितना भी हमारे पास नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह भी आते हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो हर एक ब्रांच के लिए, सभी के लिए कॉमन है. चाहे वो आप हिंदी से पीजीटी दे रहे हैं या संस्कृत से पीजीटी दे रहे हैं या साइंस से पीजीटी दे रहे हैं, मैथमेटिक्स से पीजीटी दे रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से पीजीटी दे रहे हैं, आप किसी भी ब्रांच से अगर पीजीटी दे रहे हैं, तो आपके पास जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो सबका कॉमन पार्ट है. तो मेरी कोशिश ये है कि जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जो कॉमन पार्ट है, वो सबको मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अपलोड करूंगा. लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन है, बिकॉज टेक्निकल पोर्शन जो है वो हाफ ऑफ द सिलेबस इज योर टेक्निकल पोर्शन, तो जो टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए हम लोग जो कोर्सेज हैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अब इसमें थोड़ा सा ऐसा पोर्शन भी होगा जो कि यूजीसी नेट से ऑब्वियसली कॉमन है, तो वो पोर्शन हम लोग एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मिलेगा यहाँ पर. अब देखो, ध्यान दीजिए, हम लोग ये सिलेबस करने के लिए, पूरा कराने के लिए कैपेबल क्यों है. सिंपल रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा जो सिलेबस है वो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी आता है. जो केंद्रीय विद्यालय का जो आपके क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पर, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल लॉजिक, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग सी, रिलेशनल डेटाबेसेस एक्सेट्रा, ये जो सभी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन आपके पास यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी आता है. और यहाँ पर जो पेपर है उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली वहाँ से उठ के यहाँ पर भी आते हैं. तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबका एक लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सबका सिमिलर ही है. थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप एग्जाम कोई भी आप अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसमें से कुछ पोर्शन है जो हमारे पास एट ए टाइम इस समय पर रेडी है, कुछ पोर्शन है जो इस समय पर हमारे पास रेडी नहीं है. उस पोर्शन के लिए मैं आपको डेट्स दूंगा कि वो पोर्शन आपको कब तक मिल जाएगा. अब ये जो पोर्शन है, जैसे कि देखो, कुछ जो पोर्शन हमारे पास यूजीसी नेट एग्जाम में भी आता है वो पोर्शन हमारे पास एट ए टाइम रेडी है. अगर आप अभी एनरोल करेंगे तो हम लोग वो वीडियोस आपका लोकेट कर सकते हैं. इस समय पर इन सब्जेक्ट्स के, जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगा, उनके लिए हमने लगभग 1200 से 1500 वीडियोस आपको ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं एज एट ए टाइम. जैसे ही आप कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे उनके लिए हम 1200 से 1500 वीडियोस जो हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे. अब ध्यान दीजिए, जनरली पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने देखा है कि जो आपके पास एग्जाम होता है KVS, तो KVS का जो एग्ज़ाम है फॉर्म निकलने के 6 से 8 महीने के बाद एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है. जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे 2017 का हमारे पास पेपर है, 2016 का हमारे पास पेपर है, उसी तरीके से 2013 और 2014 का जो हमारे पास पेपर है, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि जब फॉर्म निकलने के स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम होने के बीच में टोटल 8 महीने का टोटल गैप था.
अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूँ कि हम लोग 8 महीने का गैप लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग आपको जो प्रॉपर सिलेबस है, पूरा सिलेबस, थॉरली कंप्लीट सिलेबस आपको हम 4 महीने में प्रॉपर सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसकी जो फीस डिटेल है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब देखो, इसमें से जो पोर्शन है हमारे पास, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये पोर्शन हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको बेसिकली आप एक बेसिक थ्योरेटिकल का हो या फिर नॉलेज भी होनी चाहिए, उस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये पोर्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें कम से कम आई थिंक 150 से लेकर 200 के आसपास वीडियोस होंगे, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन 150 से 200 वीडियोस इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने कवर किए हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब्जेक्ट हमारे पास पूरा अवेलेबल है, यहाँ पर भी हमारे पास 150 से 200 वीडियोस हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास पूरा अवेलेबल है। अब जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, जैसे जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस हमारे पास थॉरली अवेलेबल है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी हमारे पास अवेलेबल है, एल्गोरिथम यूजिंग सी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास RDBMS, इसके जो कॉन्सेप्चुअल सभी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ही आप कोर्स के रजिस्टर करेंगे, ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं हम आपको एट ए टाइम अलोकेट कर सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ये जो कोर्स है ये हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पर जो HTML है ये कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें से कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे पास इस समय पर अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोर्सेज हैं हमारे टूल्स के ऊपर रिलेटेड। जैसे कि अगर आप चेक करोगे, हमारे पास जब मल्टीमीडिया की बात आती है तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक डिवाइसेस जो है, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो फोटोशॉप है, कॉरल ड्रॉ है और मैक्रोमीडिया फ्लैश है, इस पर आपको किस तरीके से काम करना है, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इसको अगर मैं थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इनके जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं, और वो वीडियोस में हम बेसिकली इस तरीके से कर रहे हैं कि फ्लेटर से हमारे पास फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप के अंदर हम किस तरीके से इमेजेस को लेंगे, किस तरीके से इमेजेस पे काम करेंगे, कहाँ पर कौन सा टूल है, किस टूल से क्या हो सकता है, तो ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है, ये जो सभी चीज़ें हैं, हम वो सभी चीज़ें यहाँ पर फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ जो कोर्स है इसके अंदर वो सभी चीज़ें हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो फोटोशॉप हुआ, कॉरल ड्रॉ हुआ, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आता है ओरेकल टूल। हमने जो कोर्सेज बनाए हैं वो RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने थॉरली कवर किया है, लेकिन उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को आप ओरेकल डेटाबेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमें ओरेकल डेटाबेस के ऊपर वीडियोस बनाने की ज़रूरत होगी। तो जो ओरेकल डेटाबेस की वीडियोस हैं ये इस समय पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जैसे XML है, ASP है, तो यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल जो उनके वीडियोस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन जो एक्चुअल जो काम करने हैं, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, वो चीज़ें हमारे पास एट ए टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, फिफ्थ पोर्शन हमारे पास विजुअल बेसिक। सो विजुअल बेसिक में आप किस तरीके से काम करेंगे, किस तरह से टूल्स को सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से मेन्यू ऑप्शंस हैं, उन सभी मेन्यू ऑप्शंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज विजुअल बेसिक प्रोवाइड करता है, तो ये आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे विजुअल बेसिक हुआ, प्रैक्टिकली आप विजुअल बेसिक पे कैसे काम करेंगे, या फिर आपके पास फोटोशॉप है, मैक्रोमीडिया फ्लैश है, या फिर आपके पास स्क्रिप्टिंग है, तो स्क्रिप्टिंग जो जैसे वेब स्क्रिप्टिंग है, जावा स्क्रिप्टिंग है, प्रैक्टिकली जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरह के डायलॉग बॉक्सेस आपको शो होंगे, और किस तरीके से वहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है, किस फंक्शन से क्या होगा, तो वो सभी चीज़ें हमें प्रैक्टिकल ही आपको दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप अभी इस समय पर कोर्स पे के लिए हमें हमारे साथ एनरोल करते हैं, तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट एट ए टाइम आपको एनरोल कर देंगे, और जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया फ्लैश, या वेब स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, या फिर आपके पास ओरेकल, तो वो जो सभी कोर्सेज हैं, जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, वो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स हम लोग सारा सिलेबस थॉरली कवर कर देंगे, और उसके बाद भी आपके पास 4 महीने और होंगे जो कि आप सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। तो अगर आप कोर्सेज को देखना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, 2 तरीके हैं। पहला, नॉन टेक्निकल पोर्शन हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जो UGC नेट से भी कॉमन है, तो वो एनरोल्ड स्टूडेंट के पास ही होगा। ऑब्वियसली एनरोल्ड स्टूडेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगी नॉन टेक्निकल से। आई कैन गारंटी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उसमें से कम हम काफ़ी जो सिलेक्शंस हैं हमारे कोर्सेज से ज़रूर हो जाएंगे। तो इतना हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं हमें अपने कोर्सेज पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो कोर्सेज हैं
वो बेस्ट फैकल्टीज़ ने बनाए हैं, वो काफ़ी सारे जो फैकल्टीज़ हैं मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ आर फ्रॉम IITs ओनली. तो हमें अपने कोर्सेज़ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो कोर्सेज हम बनाएंगे अगर आप उसको भी प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब भी आपके जो सिलेक्शन के चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट में, और जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो सिलेबस है आई थिंक 60-70% जो सिलेबस है वो इस समय पर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, और जो 30% के आसपास 30-35% के आसपास जो सिलेबस हमारे पास अवेलेबल नहीं है उन सिलेबस को हम विद इन अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स आपको थॉरली कवर करके दे देंगे. ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस और व्हाट्सएप ऑन द नंबर्स विच इज़ गिवन इन दिस वीडियो, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.digimentor.com. आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो, आई होप दैट यू एन्जॉयड द वीडियोज दैट वी हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर DTSSP एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन. तो जो सभी जो वीडियोज़ हैं हम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.